वीडियो में बात करेंगे यूनियन बैंक के बारे में। करेंट प्राइस चल रहा है यूनियन बैंक का 135 रुपये 24 पैसे के पास। अगर स्टॉक की मोमेंटम की बात की जाए तो स्टॉक प्रीवियसली एक अच्छा हम लोगों को ऊपर की तरफ मूव दिखाया था, लेकिन ऑलमोस्ट 12 मंथ से स्टॉक अराउंड एक साइडवेज रेंज में ट्रेड करते दिख रहा है, जिसके ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस है 150 रुपये का लेवल और नीचे की तरफ स्टॉक में सपोर्ट है जो कि अराउंड 130 रुपये के आसपास, जो कि अराउंड स्टॉक ऑलमोस्ट हम लोग को 1-2 महीने से स्टॉक अपने सपोर्ट के पास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जब तक यहाँ से 130 रुपये के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, स्टॉक में कोई भी दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जैसे स्टॉक 130 रुपये का लेवल नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हुए दिखता है, स्टॉक नीचे की तरफ तेज़ी से गिर सकता है, जो कि हो सकता है 100 रुपीज़ तक का भी गिरावट देखने मिले। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना ना भूले, जो कि 130 रुपये के पास किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो करेंट लेवल पर भी बिल्कुल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या फिर 1-2 रुपये फॉल देखने मिले तो भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा होने वाला है। और ऊपर की तरफ जब भी हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा, स्टॉक एक ज़बरदस्त ऊपर की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है, जिससे टारगेट निकल के आएगा जो कि अराउंड 160 से लेकर 180 रुपये तक का शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक हम लोग को 200 रुपये से ऊपर तक का भी मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।